हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लकड़ी के ऊपर इनेमल पेंट कैसे करते हैं। इसमें जो सामान लगना है, ये ऑयल प्राइमर है, ये ब्राउन पेंट, ये वुड फिलर, 100 नंबर रेगमाल, चाक मिट्टी और तारपीन का तेल, 220 नंबर रेगमाल और एक पत्ती। सबसे पहले जो मोटे गड्ढे होते हैं उनके ऊपर ये वुड फिलर है, वुड फिलर से इसकी रिपेयर करेंगे। अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। सूखने के बाद इसमें 100 नंबर रेगमाल से कटाई करेंगे इसकी। उसके बाद इसे साफ कर लेंगे। उसके बाद में ये प्राइमर लगाएंगे इसके ऊपर। ये प्राइमर बनाने के लिए आधा लीटर प्राइमर में लगभग 100 ग्राम तारपीन का तेल पड़ता है। ये मैंने पहले ही बना के रखा है। तो प्राइमर लगाने के बाद इसे 3-4 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। अब ये सूख चुका है पूरा। अब इसके ऊपर चाक मिट्टी की फिलिंग करेंगे। ये पानी, पानी छान लिया और इसमें इनेमल पेंट मिलाएंगे थोड़ा सा। तो थोड़ा सा इनेमल पेंट मिलाएंगे। ये एक किलो चाक मिट्टी में 200 से 250 ग्राम तक इनेमल पेंट डाल सकते हैं। इस पुट्टी के 1 या 2 कोट करने पड़ते हैं। पुट्टी करने के बाद इसे थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ दें। अब ये सूख चुका है पूरा। अब इसके ऊपर 220 नंबर का पेपर लगाएंगे। इसे
साफ़ कर लेंगे। इसके बाद में ये पेंट मारेंगे इसके ऊपर। बनाओ थोड़ा सा, ये ब्राउन इनेमल पेंट है, बस थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा तेल मिलाएंगे तारपीन का। ये तारपीन का तेल 1 लीटर पेंट में 200 ग्राम तारपीन का तेल पड़ेगा। एक कोट हो गया इसके ऊपर, अब इसे सूखने के लिए छोड़ देंगे 3-4 घंटे, उसके बाद में डबल कोट मारेंगे। ये सूख गया, अब इसके ऊपर डबल कोट लगाएंगे। ये हो गया, इसमें कलर और भी आते हैं, इससे डार्क भी ब्राउन आता है और रेड येलो ग्रीन कलर कोई भी करना हो होगा ऐसे ही। और अगर इसके ऊपर पॉलिश की लुक देनी है तो मैं बताता हूँ, ये है ब्लैक पेंट, ब्लैक इनेमल पेंट। इसको एक डब्बे में डाल के पतला करना है तारपीन के तेल से, उसके बाद में एक कपड़ा लेना है, अब ये पॉलिश की लुक हो गई है इसकी। अब इसके ऊपर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम पॉलिश के जैसा ही, कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेम पॉलिश के जैसा दिखेगा, साइन भी करेगा, इतनी साइन तो आ ही जाती है। लकड़ी चाहे जो भी हो, पेंट ऐसे ही होगा।